गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन। आज हम लोग हिंदी में पाठ 17 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है शमशेर। ये गुब्बारों की कविता है और सबको गुब्बारे बहुत पसंद है। पसंद है ना आप लोग को? मेले से गुब्बारा, यस सब बच्चे मेले से गुब्बारा खरीदते हैं ना। चलो पढ़ो मेरे साथ। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैगनी देखो, अरे लाल सफेद रंगों के हैं बैगनी कितने लाल भेद, सफेद गो रंगों के के हैं कितने किन्ने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथ से दो इन्हें उछाल, हाथ से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी के ऊपर जोर, पड़ा किसी ना ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा एक जोर का होगा शोर, खेल खत्म हो जाएगा। ये पोयम किसने लिखी है? कविता हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश। आप लोग वो केबीसी देखते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, उनमें जो अमिताभ बच्चन आते हैं उनके पिताजी है हरिवंश राय बच्चन। वो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताओं की रचना की है, ये भी उन्हीं की कविता में से एक कविता है। ठीक है, गुब्बारा। सब बच्चे इसकी 8 लाइन टू 10 लाइन कितनी, 1 2 3 एट लाइन पूरी लर्न करेंगे। ठीक है, और शब्द ज्ञान को भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये मैम, देखिए, सब दिग्गज कॉपी में करना है। हाँ लिख लीजिएगा। क्या ओके मैम, थैंक लंबा यू मैम। क्या गोल, नीचे दिए गए चित्रों को उनकी आकृति के नाम से मिलाइए। गोल गोल क्या क्या है और लंबा लंबा क्या क्या है? रोटी, हाँ पिज्जा, हाँ रोटी गोल, कंगन गोल, पिज्जा गोल, बॉल, फुटबॉल गोल, और ये वो इंजेक्शन सिरिंज लंबी है, बेलना लंबा है, फूलझड़ी लंबी है, ईख लंबी है ना। यस मैम। अच्छा ये क्या पूछ रहा है? कविता में बच्चों ने गुब्बारे की डोर मुट्ठी में लेकर पकड़ा था। अब आप बताइए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें मुट्ठी में ले सकते हैं और नहीं ले सकते? पैसा, पैसा, हाँ पैसा। और क्या ले सकते हैं मुट्ठी में? मैम दंड, हाँ, रंग ले सकते हैं, होली के रंग मुट्ठी में भर लेते हैं ना हम लोग, और यस मैम, आप हैंकी को भर सकते हैं मुट्ठी में। यस मैम, इसी तरह क्या नहीं भर सकते, बहुत सारी चीजें नहीं भर सकते, उसको भी लिख दीजिएगा। इरेजर आप पकड़ सकते हैं मुट्ठी में। मौखिक यस प्रश्न, मैम, मौखिक का मतलब खाली हम आपसे पूछेंगे, आपको उत्तर। गुब्बारे वाले का नाम क्या था? गुब्बारे वाले का नाम, बारे वाले नाम समस्या था। हाँ, शमशेर के पास किस किस रंग के गुब्बारे थे? गुलाबी, सफेद, हाँ बैगनी, हरा। गुब्बारे वाले के पास किस आकार के गुब्बारे थे? गोल, लंबा, हाँ गुब्बारे वाले बच्चों को गुब्बारे कब देगा? पैसे लेने पर। ठीक है, पंक्ति ऐसे पूरी करो। ये कविता मैंने पूरी कर दी, आप लोग भी अपने किताब में कर दीजिएगा। और अब ये है, सही व सही के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। गुब्बारे वाला गुड़िया भी बेच रहा था, गलत, खाली गुब्बारे। गुब्बारे बिना पैसे के मिल रहे थे, गलत। गुब्बारे लंबे गलत, गोल थे, सही। सुई मारने पर गुब्बारा फट जाएगा, सही है, गलत, सुई मारेंगे तो फट तो जाएगा ही गुब्बारा। चलिए अब कॉपी में आपको क्या क्वेश्चन आंसर करने, इसको देख लीजिए। बस ठीक करना हाँ 3 क्वेश्चन आंसर है जो आपको कॉपी में करना है। है। ठीक है, आंसर दिखाइए, देख देखो तीनों देख रहे हैं बेटा। लेना। यस
ये जो मौखिक प्रश्न थे उसी को मैंने लिखित में करवा दिया, आप लोग को लिखना भी आना चाहिए, ना? ठीक है, अब यही पहले पोयम भी लर्न करिएगा आप लोग कॉपी में। एक ऐसा करिएगा, पहले क्वेश्चन आंसर नहीं, सबसे पहले एक तरफ गुब्बारे बना दीजिएगा और पोयम पूरी लिख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट 17 शमशेर हेडिंग डाल के आप लोग गुब्बारे बनाएंगे और कविता लिखेंगे। फिर अगले पेज में शब्द अर्थ लिखेंगे, शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान लिखने के बाद ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है? 4 पेज में आपका काम होना चाहिए। सुंदर सुंदर गुब्बारे बना के उन्हें कलर कर दीजिएगा, और जब गुब्बारे कलर हो जाएंगे तब पोयम भी लिखिएगा साइड में, और जब पोयम हो जाएगी तो एक पेज में शब्द ज्ञान और एक पेज में प्रश्न उत्तर करेंगे सब बच्चे, ठीक है? ओके चिल्ड्रन, गुड डे।